हाल में एक वकील पर पेचकस और सुए से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। वकील का इलाज करनाल के सिविल अस्पताल में चल रहा है। वही पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वकील जेपी सिंह की जमीन बजीदा रोड पर नई अनाज मंडी में पीछे है, जहां पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। उसी के विरोध में वकील जेपी सिंह हुड्डा विभाग के जेई विक्रम सिंह के साथ नोटिस लेकर गया था। जब विभाग के जेई ने कॉलोनाइजर से कॉलोनी के कागजात मांगे तो उसी दौरान वकील पर 8 से 10 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। अस्पताल में घायल वकील जेपी सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर संजीव ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। पास पेट्रोल पंप के पीछे कॉलोनी काट रहे हैं, खेती बाड़ी की जमीन में संजीव के कॉलोनाइजर वगैरह जी। पिछले 6 महीने से मैं दरखास्त दे रहा हूँ जी उनके खिलाफ, भैया अवैध इलीगल कॉलोनी काट रहे, गरीब लोगों को गुमराह करके बेकार प्लाट बेचते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो 6 महीने से कहीं दरखास्त दी थी, आज DTP साहब ने विक्रांत जेई को भेजा, मेरे साथ भाई मौका दिखाओ। वो आए तो उन्होंने मौके पर रोका उनको, भाई ये ना करो, यहाँ तुम्हारे को नोटिस दे रखे, पहले भी गिराऊंगा इसको मैं। वो कहने लगे हमने कॉलोनी पास करा रखे DTP से। तो इसी दौरान जो उनके मेन बॉस था संजीव कॉलोनाइजर, वो एकदम दाड़ा, भाई ये वकील है, इसने कार्रवाई कर रखी हमारी और इसको आज मजा चिखाओ। ये कहते उसने 11-12 बंदे हैं उसके, मेरा ऊपर हमला करा, मैं अपने मोबाइल में सारी इंसिडेंट जैसे वो गाड़ी क्लोज कर कैप्चर कर रहा था, तो उन्होंने मोबाइल भी छीना। फिर मोबाइल छीनने का प्रयास किया, मैं प्रोटेस्ट किया तो मेरे को थप्पड़ मुक्के डंडे मारे, चाकू मारा, बल्कि मेरी जब अंगूठियाँ निकाल दी उन्होंने, दोनों अंगूठियाँ और मोबाइल उनके पास है अभी भी। और DTPO के ये कितने समय से आपके साथ ये मामला चल रहा है? पिछले 6 महीने से जी। DTPO साहब प्रशासन का ठप है, कानून मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा हो गया, CMCT क्राइम में क्राइम सिटी बना दिया कि शरीफ आदमी अपराधी बनने मजबूर कर रहा था। ये मर्डर भी कर सकते थे। और वो संजीव जो है वो कहता है मैं लॉरेंस बिश्नोई का बंदा हूँ, 12 बोर रखता हूँ और ये कर देंगे वो कर। चौकी इंचार्ज जितेंद्र ने बताया कि पुलिस को वकील पर हुए हमले की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विशेष कंप्लेंट हमारी चौकी में तो कोई पहुंची नहीं थी अभी तक जी, हमारी चौकी में कोई भी कंप्लेंट नहीं पहुंची थी। ये सूचना मिली थी कि भाई JP वकील है, उनको चोट लगी है, जिस सूचना पर हम आए हैं उससे यहाँ उससे पता करा, वो बोल नहीं रहा। उसके भाई ने बताया है कि भाई DTP ऑफिस से किसी अधिकारी को लेकर वहाँ मौके पहुँचे थे, वहाँ उनका परमिशन के कोई कॉलोनी काट रहा था, उनको परमिशन के लिए कहा था लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिखाई, झगड़ा कर दिया। अच्छा, तो इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये कंप्लेंट कर रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बारे में हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। तो किसके अगेंस्ट इन्होंने कार्रवाई की, किसका नाम बताया कुछ? अभी कोई नाम नहीं बताया जिन्होंने। आपका नाम? जितेंद्र, इंसार चौकी सेक्टर 4। वकील पर 8 से 10 लोगों ने जानलेवा हमला किया है और पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक हमला करने वाले लोगों तक पहुंच पाती है और आगे क्या कार्रवाई करती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।